यार ये भी ना बात। ओहो मम्मी लेग पीस के दर्शन होंगे क्या? हाँ दर्शन होंगे। नहीं कितना सही दिख रहा देखो, देखो। ओ भाई अब यही तो पहचान है, हड्डी छोड़ दिया है, ये चिकन बिल्कुल रेडी है, एकदम किलर दिख रहा मम्मी। हाँ मजा आने वाला है इसको खा के तो। लेग पीस खतरनाक सर, हाफ पेकता हुआ एकदम। क्या बना रही हो मम्मी? आज हम तरी वाला चिकन बनाएंगे। तरी वाला चिकन? हाँ प्रेशर कुकर में बनाएंगे, इसमें कोई माथा पच्ची नहीं है, फटाफट बन जाता है। नो माथा पच्ची? नहीं। तो 1 किलो ये चिकन है, हम इसको अच्छी तरह धो लिए हैं और ऐसे चीज़ पर रख दीजिए कि उसका पानी छन जाए। ठीक है तो ये पूरा रेडी है। अब देखिए इसके लिए हम मसाला बना ले। देखिए इसमें 2 चम्मच हम भर के इसे धनिया, 1.5 चम्मच मिर्ची और 1 चम्मच हल्दी लिए हैं। आप मिर्ची अपने ज़रूरत के अनुसार ले लीजिएगा और बस इसको हमें फूलने को डाल देना है। ये और सब काम होगा तब तक ये मसाला फूल जाएगा, हल्का सा पानी में फूलने हाँ, के लिए। हाँ बस ठीक है। अब हम चिकन बनाना शुरू करते हैं। तो ये कुकर में हम क्या किए हैं कि आधी कटोरी तेल ले लिए हैं, इस कटोरी से हम आधी कटोरी तेल ले लिए हैं। अब देखिए तेल भी लगभग गर्म हो गया है, बहुत तेल को एकदम हार्ड गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सरसों का तेल है, इसका जो झांस होता है और स्मेल होता है यही इसकी खूबी है। अब देखिए गर्म हो गया है, हम इसको टेस्ट करके देखें। ये करीब 1/2 चम्मच है ये जीरा, 2-3 तेज़पत्ता है, ये देखिए कुछ खड़े गर्म मसाले हैं, दालचीनी है, जायत्री है, 4-5 ठो लौंग है, 1 बड़ी इलायची है और 1 छोटी इलायची है। अब इसको हम कम आंच पर रोस्ट करेंगे। देखिए ये मिर्ची, 4 मिर्ची लाल मिर्ची है, इसको भी हम यहाँ डाल देंगे, हल्का तोड़ के डालेंगे कि तेज चटके नहीं। मम्मी तीखा मटेरियल बनेगा क्या आज? हाँ तीखा बनाएंगे, थोड़ी सा चटपटा तो बनाएंगे ही। ये हुई ना बात। अब देखिए ये लहसुन हम 2 बड़े गांठ लहसुन को छील के रख लिए, इसको भी हम यही डाल देंगे। मम्मी कई लोगों का सवाल है कि लहसुन की क्वांटिटी आप ज़्यादा डालती हो? नहीं तो चिकन में तो हम डालते हैं, अब है? इसको ज़्यादा जलाना नहीं हमको लहसुन को, हम प्याज के साथ ही। देखिए ये हम प्याज 5 ठो प्याज है इसको हम काट लिए हैं, अब इसको अभी हम डाल देंगे। इसको हम अभी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे इसको बस। हाँ बस अब देखिए प्याज हो गया है, ज़्यादा नहीं करना है नहीं तो वो गलेगा नहीं। अब तो ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा था, इसको हम घिस के रख लिए थे। मम्मी ये पहले क्यों नहीं डाले अपन? अभी डाल रहे हैं ना, वो चिपक जाता, जल जाता है ना? जल भी जाता, छोटा है ना, नीचे बैठ जाता, प्याज ऊपर आ जाता, इसलिए इसको अभी डालो। मम्मी प्याज बढ़िया तले तले से हो गए है ना? हाँ तले तले हो गए ना प्याज। अब बस कुछ नहीं करना है, अब यहाँ जो ये है मसाला जो हम फूलने को डाले थे उसको डाल देना है। ये जो पेस्ट डाले थे? हाँ हाँ पेस्ट डाले थे, इसको डाल के चला लेंगे। मम्मी तो बढ़िया इवन हो गया एकदम। हाँ, देखो मिलके ये बहुत अच्छा, बहुत आसानी से बनने वाला है, इसमें कुछ भी नहीं करना है अलग से, फटाफट। हाँ ये टमाटर भी हम डाल देंगे, 2 टमाटर है इसको काट के रख लिए हैं। टमाटर गया? हाँ टमाटर गया। अब नमक डाल देना है, टमाटर के साथ। हाँ, नमक की फ्रेंडशिप है। हाँ, ना अब देखिए नमक हम अपने आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। ये नमक करीब हमको लग रहा है 1.5 चम्मच गया ये नमक, 1.5 चम्मच। हाँ और क्या मम्मी इसमें? अब और कुछ? अब इसमें कुछ नहीं, थोड़ी सा हम ये देखिए इसमें जीरा पाउडर इतना डाल देना है, भुना हुआ जीरा पाउडर है 1/2 चम्मच करीब हम जीरा पाउडर डाल देंगे। देखिए इतना सा हम पानी डाल देंगे इसमें, करीब 1/2 कटोरी होगा बस, फिनिश काम बस आता। इसको प्याज गलाने टमाटर गलाने के लिए बहुत अच्छा इसका ग्रेवी बनता है ऐसे गला के। अब इसको हम 2 सीटी लगाएंगे, 2 सीटी? हाँ मीडियम आंच पर 2 सीटी लगाएंगे। अब देखिए ये 2 सीटी हो गया था, हम बंद कर दिए हैं। हाँ। मम्मी पूरा गल गया मसाला। हाँ हाँ गल गया, इतने मसल देंगे ना तो पूरा मिल जाएगा। दिखाओ ऐसे, दिखाओ ना। हाँ दिखा दे। ओ भाई यार मम्मी क्या सही गला एकदम। हाँ अभी से ही मतलब मन कर रहा है कि अब इसको हम अच्छी तरह चला लेंगे, पराठे में लपेट के खा जाऊंगा। नहीं थोड़ा सा में बन जाएगा बस, इसको हम एकदम मैश कर दें तुरंत बन जाएगा बेटा, ये बस मैश करना है इसको, अच्छी तरह मैश कर दे, वो तो भूनते भूनते भी हो जाएगा लेकिन कर दे। ठीक है देखिए मसाला हम अच्छे से मैश कर लिए, पूरा प्याज लहसुन आपस में मिल गया है। अब यहाँ 1 चम्मच भर के हम
ये चिकन मसाला डालेंगे, किसी भी ब्रांड का आप डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। इसको थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे बस। देखिए मसाला लगभग हो गया है, प्याज गल गया, तेल भी हल्का आने लगा है। अब ये चिकन हम यहीं डाल देंगे। मम्मी मस्त लग रहा है देखने में, अभी से एकदम खतरनाक सा। बस इसको बीच बीच में चलाते रहना, बस ध्यान ये रखना है कि पकड़े नहीं, मतलब जले नहीं, लगे नहीं नीचे से। अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छी तरह भून जाए, तो खुद ही तेल मसाला सब एक साइड होने लगेगा, पानी भी छोड़ेगा भी। हाँ, पानी भी छोड़ेगा। अभी आँच को थोड़ी मीडियम कर देना, मीडियम से भी लो कर देना है थोड़ी। देखिए मसाला भून गया है, तेल पूरा ऊपर आ गया। अब उसी कटोरी से हम अंदाज से बोल रहे हैं, इसमें जो एक चम्मच आधी कटोरी में तेल बचा था उसको हम इसमें डाल दिए थे। अब देखिए इसी से देखते हैं कितना पानी चाहिए। मम्मी ग्रेवी के लिए पानी लग रहा है क्या? हाँ, पानी जिसको जितना चाहिए। अभी तो हम एक कटोरी ही डाले हैं और थोड़ी सा। मम्मी तरी वाला चिकन है तो तरी तो लगेगी है ना? हाँ हाँ, और ये चिकन बहुत जल्दी गलता है तो इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक या दो सीटी लगेगा। देखते हैं पानी कितना चाहिए। और हम ढाई कटोरी पानी इसमें डालें, ठीक है? अभी ये गरम मसाला यहीं डाल देंगे। कितना है मम्मी ये आधा चम्मच है गरम मसाला। अब इसमें हम दो ठो हरी मिर्ची डाल देंगे, हल्का ऐसे तोड़ देंगे ताकि उसका जूस निकलेगा। बस दो ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। अब तेज आँच पर हम इसको दो सीटी लगाएंगे बस, मात्र दो सीटी। हाँ, मात्र दो सीटी फुल आँच पर। और फिर ये रेडी टू ईट मम्मी? हाँ, आँच को बिल्कुल धीमा करके एक मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर बंद कर देंगे। दो सीटी में हम कुकर बंद कर दिए थे, कुकर का प्रेशर भी ख़त्म है। अब देखते हैं हम इसको। मम्मी ये हुई ना बात, ये हुई ना तरी वाला चिकन। अब देखिए हम थोड़ी सा धनिया पत्ती है इसको हम डाल देंगे, आपको और पसंद है तो और डाल सकते हैं। मम्मी ये हुआ ना तरी वाला चिकन हल्का। हाँ। सा यार ये हुई ना बात। ओहो मम्मी लेग पीस के दर्शन होंगे क्या? हाँ, दर्शन होंगे। नहीं इतना सही दिख रहा, देखो देखो। ओ भाई, अब यही तो पहचान है, हड्डी छोड़ दिया है, ये चिकन बिल्कुल रेडी है, एकदम किलर दिख रहा मम्मी। हाँ, मजा आने वाला है इसको खा के। तो नुकीला छोलनी से नहीं चला रहे हैं क्योंकि ये बहुत टूटता है, ब्रॉयलर चिकन है ना। मम्मी एक भी पीस टूटा नहीं है और चिकन बिल्कुल पका हुआ। मम्मी देखो सुनो। हाँ, बोलो। बहुत मस्त लग रहा है मेरे को देखने में, ये मजा आने वाला है इसको खा के। तो आज तो बढ़िया सा ग्रेवी के साथ, ये ऐसे ऐसे हल्के हल्के शॉट आएंगे तो मतलब समझ रहे ना, ऑडियंस को भूख बढ़ रहा है मम्मी ये देख के। ये तो सबका भूख बढ़ाना है, जो भी नॉन वेजिटेरियन है। मम्मी इसको तो किसी के साथ भी खाओ, राइस हो गया, रोटी हो गया, सबके साथ धमाकेदार लगेगा खाने। अभी ये लास्ट दिसंबर जनवरी ये सब है ना, लोग खूब पसंद करते हैं इसको। क्रिसमस आ ही रहा, क्रिसमस में तो मजा ही आ जाएगा। ये भाफ आ जा रही है बार बार, तो गर्म है तो आएगा ही ना। ये देखो ये क्या बना है मम्मी, बन के रेडी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बेहतरीन सी टेस्टिंग करता हूँ आज, तो मजा आ जाना है एकदम। अरे सबसे पहले सबसे लाइक और सब्सक्राइब तो मांग ले। हाँ ये तो बात है मम्मी, इस चिकन पे मम्मी लाइक और सब्सक्राइब मिलना चाहिए, इतनी प्यारी रेसिपी है यार। देख के दिल खुश हो गया मम्मी जब कुकर खोला तो, मेरा तो मजा आ गया। तो मम्मी एक बार बोल दो सबको, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ट्राई जरूर करिएगा और कैसा बना जरूर बताइएगा। और जब तक अपन बताते हैं टेस्टिंग करके। हाँ, टेस्टिंग करके बता मम्मी। करूँ टेस्टिंग अपने गर्मा गर्म तरी वाले चिकन की? हाँ, लेग पीस से शुरुआत करूँ? ओहो, सही में बहुत गर्म है यार, देखो भाफ मार रहा है, भाफ इतना गर्म है। चलो लपेट रहा हूँ मम्मी, हाँ क्योंकि ग्रेवी बहुत सॉलिड लग रही है मेरे को। हाँ यार ये हटाओ, ये कहाँ से आ गया प्लेट के नीचे? अरे हम रख दिए थे ना कि एकदम से घुस जाएगा ग्रेवी। देखो चावल भाई साहब, ओहो मम्मी तरी वाला चिकन कुकर में बना इंस्टेंट और इतना टेस्टी। हाथ जल रहा भाई बहुत जोर से। आराम से मम्मी, थोड़ा जल्दी में। हाँ, जल्दी है तो है, अभी आधा घंटा टाइम है ना। दोस्त इंतजार कर रहे हैं थोड़ा। आधा घंटा, 45 मिनट है, आधा घंटा। यार ये ग्रेवी बताओ, ये ग्रेवी चावल में इससे सुपर सॉलिड क्या होगा? पानी थोड़ा सा।
यार बहुत हुआ, इस लेग को मैं खा रहा हूँ। ये लेग पीस खतरनाक सा हाफ बेचता हुआ एकदम। ये मैंने बात फिनिश लेग बहुत मस्त बना मम्मी, एकदम गल गया मस्त था। यार सलाद लेना भूल गया है ना, जल्दी जल्दी में हो ना जाने के, इसलिए कोई बात नहीं, जरा कौर देखो मम्मी क्या सही लग रहा। कौर भी सही गलत होता है क्या बाबू? तब क्या मम्मी, टेस्टिंग गैंग वाले सब बता देंगे आपको। हाँ बहुत पसंद करते हैं यार भैया, टेस्ट नहीं किए तो अच्छा नहीं लगा, सुना लगा। सही में गर्म है मम्मी बहुत ज्यादा ही ज्यादा यहाँ पे, तो एक तो मेरे को रहा भी नहीं गया ना मम्मी खाने से, इतना टेस्टी बना है, क्या बात है। नहीं जल्दी भी जाना भी तो है। पीस वाला कौर, पीस वाला कौर, ये वाला कौर तुम मजेदार। कबूलते वहाँ तुम्हारा जरूरत था क्या गायत्री नगर में, क्योंकि वहाँ बहुत टाइम लगाए होते। क्या बात है मम्मी, क्या है मतलब क्या ही बोलूं। इस बस्ती से खाने का चीज होता है हर बार, कहा होता है। मैं और खाऊंगा तो आओ ना।